12-1 बजे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठंड लग के मुझे हुआ बुखार और मेरी हालत हो गई ख़राब। उसके बाद यहाँ लग रही है वैक्सीन गाइस, लास्ट की वैरायटी देखिए गाइस, हेलो गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों आज मुझे लग रही है दूसरी कोविड की वैक्सीन और हम जाएंगे दी मॉल के अंदर, वहाँ लग रही है वैक्सीन। और तो करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ जो हमने नई पार्किंग बनाई है गाड़ी के लिए। ये देखिए गाइस, फ्रंट में ये है मेन रोड और यहाँ बनाई है हमने गाड़ी की पार्किंग। और इस तरफ ये है बैक साइड का रूम का बैक साइड। तो चलिए गाइस चलते हैं और दिखाते हैं पूरा प्रोसेस और करते हैं बातें। और गाइस जो मुझे फर्स्ट डोज थी वो सिनोवैक की लगी थी, उससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था बॉडी पे, हल्की सी वीकनेस थी मुझे। बट आज मुझे एस्ट्राजेनिका लगेगी, तो आज मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एस्ट्राजेनिका का, कि कैसा मुझे लगा एस्ट्राजेनिका लगने के बाद, मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, कुछ साइड इफेक्ट हुआ, कोई फीवर या हेडेक कुछ हुआ ऐसा, तो आप लोगों से मैं अपना शेयर करूंगा। और चलिए हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, मुझे जो वैक्सीन लगेगी वो सेंट्रल प्लाजा में लगेगी, हम सेंट्रल प्लाजा के फ्रंट सामने ही पहुंच चुके हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं और दिखाता हूँ अंदर का क्या माहौल है, क्या चल रहा है वहाँ पे, कैसा सिस्टम है। और दोस्तों देखिए ये है मेरा कार्ड, इस पे डेट दी है कब आपको दूसरी डोज लगेगी और फर्स्ट डोज आपको कब लगी है। गाइस आज पूरा मॉल फुल है, पार्किंग जो है बिल्कुल फुल थी, गाड़ी पार्क करने का स्पेस ढूंढना पड़ा क्योंकि आज कोविड की वैक्सीन लग रही है तो बहुत क्राउड आया हुआ है। कुछ लोगों के लग गई है वैक्सीन, कुछ लोग अपनी नंबर का वेट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। लास्ट टाइम जब वैक्सीन लगी थी गाइस तब काफ़ी वेट करना पड़ा था हम लोगों को, कम से कम 1.5 घंटा हमने वेट किया, उसके बाद हमारा नंबर आया था। आज देखते कितना वेट करना पड़ता है, देखिए सामने भी लोग उधर बैठे हुए हैं, ये देखिए पूरा का पूरा फूड कोर्ट भरा हुआ है। वेट कितना फुल आज यहाँ लग रही है वैक्सीन गाइस। अभी हमको भी क्यू में लगने के लिए बोला गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी क्यू में लगेंगे और वेट करेंगे अपने नंबर आने का। ये सब वैक्सीन वाले आए हुए हैं गाइस, आज देखिए क्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ से, एक काउंटर बने हुए हैं 1, 2, 3, 4। ये देखिए फॉर्म मिल गया और ये नंबर लिखा हुआ है 4102, दूसरी डोज, इसको थोड़ा फील करना है और हम वेट करेंगे अपने नंबर आने की गाइस। ये सब लोग बैठे हैं अपना नंबर का वेट कर रहे हैं। गाइस अभी जो नंबर चल रहा है 1000 के आसपास चल रहा है और हमारा है 4000,
तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसी बीच हम जो मॉल घूमेंगे और यहाँ से देखेंगे कुछ चीज़ रेस्टोरेंट के लिए। और ये सही कॉन्सेप्ट है मॉल, इस बहाने वैक्सीन जो है मॉल में लग रही है। यहाँ पे आराम से अच्छा इन्वायरमेंट है, एसी चल रहा है, तो लोग यहाँ आके अपना खा पी भी रहे हैं, बैठे भी हैं, रिलैक्स भी हैं, और मॉल वालों की अच्छी सेल भी हो रही है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट कर रखा है इन्होंने, जो वैक्सीनेशन मॉल के अंदर लग रही है। भाई अभी हम ड्रिंक बाय कर रहे हैं, छोटा सा कैफे बना हुआ है इसी के अंदर। ये देखिए छोटी 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 पैकिंग वाली पेस्ट्री और कुकीज रखी हुई है, 15 baht, 16 baht, 12 baht पर पीस। दोस्तों ड्रिंक आ गए हमारा, मेरा है लीची सोडा, अंक है चॉकलेट ड्रिंक, और यहाँ बैठे हैं अभी हम। हर तरफ देखिए नीचे ये काउंटर बने हैं, यहाँ पे अपने होम फील कर रहे हैं, बैठे हैं दोस्तों। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और हमारा नंबर बस आने वाला है, काफ़ी टाइम होगा वेट करते हुए। भाई सेकेंड डोज लग चुकी है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और अभी मेरे को 30 मिनट यहाँ बैठना है, उसके बाद मैं बाहर जा सकता हूँ हॉल से। और जैसे आप देख ही रहे हैं कितना ऑर्गेनाइज्ड है, देखिए सब कुछ कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उस तरफ वैक्सीन लग रही है, उस तरफ वैक्सीन वाले बैठे हुए हैं, और साथ में एक पानी की बोतल भी है जो कि मैंने ख़त्म कर दी है। और देखिए इतना बड़ा हाल है, और सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से मैनेज किया उन्होंने। गाइस यहाँ से हम देखेंगे मिक्सर, ग्लास की वैरायटी देखिए गाइस। लो जी आ गए मिक्सर, ये
सेकेंड डोज का भी ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ अभी तक, तो एक दो दिन में देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था इन्होंने। वैक्सीन का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही कंफर्टेबल था। वैक्सीन लगने के बाद इन्होंने बिठाया हमें, एक आधा घंटे में बैठा वहाँ पे। पानी की फैसिलिटी थी वहाँ पे, पानी की बोतलें रखी हुई थी, कप भी थे, आप पानी पी सकते हैं आराम से कंफर्टेबल होके। उन्होंने यही बोला था कि आपको यदि फीवर या हेडेक कुछ लगता है तो हमारे पास आओ, हम आपको मेडिसिन जो भी ट्रीटमेंट करेंगे। वहीं पे डॉक्टर बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा थाईलैंड में वैक्सीन लेने का। तो गाइज आज मैं देता हूँ आपको रिव्यू एस्ट्राजेनेका का। जब मुझे एस्ट्राजेनेका लगी थी तो उस दिन शाम तक तो मैं एकदम ओके था, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मुझे वैक्सीन लगी है। बट जैसे जैसे शाम के बाद नाइट आई और रात को 12-1 बजे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठंड लग के मुझे हुआ बुखार और मेरी हालत हो गई ख़राब। उसके बाद मेरी 2 दिन मुझे पूरा फीवर आया और पूरी बॉडी में पेन रहा। अभी मैं काफ़ी आराम है बट बॉडी में अभी भी वीकनेस है, क्योंकि थाईलैंड में जो एस्ट्राजेनेका दे रहे हैं उसका 1 शॉट में ही ये पूरी वैक्सीन लगा देते हैं, तो काफ़ी हैवी पड़ जाता है एस्ट्राजेनेका का 1 शॉट जो दे रहे हैं। कुल मिला के अभी हल्की फुल्की वीकनेस है मुझे फील हो रहा है, बाकी ठीक है, ओवरऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी वैक्सीन लगवाइए, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है वैक्सीन का। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं आपको किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।